नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों कैसे हैं आप आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर स्वागत है विद्यार्थियों आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा छः एवं सात के अंतर्गत कार्यपत्रक छब्बीस आज की क्लास में हम कार्यपत्रक छब्बीस समझेंगे जो पेज नंबर छत्तीस पर है आइए शुरू करते हैं कार्यपत्रक छब्बीस इसमें दक्षता है संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना तो यहाँ संज्ञा शब्दों को लिख पाना सीखेंगे समझेंगे अभ्यास करेंगे तो विद्यार्थियों पहला प्रश्न है संज्ञा शब्दों की सहायता से शब्द सीढ़ी बनाइए ये जो शब्द सीढ़ी है वो इन्हें संज्ञा शब्दों के द्वारा हमें इनकी सहायता से बनानी है कें घोड़ों के रहने का स्थान तो विद्यार्थियों जहाँ घोड़े रहते है, उसे हैं उसे कहते हैं अस्तबल क्या कहते हैं अस्तबल लकड़ी काटने वाला तो विद्यार्थियों लकड़ी काटने वाला लकड़हारा क्या क्या लाएगा लकड़हारा राम ने जिसका वध किया तो विद्यार्थियों राम ने किसका वध किया था रावण का तो यहां आएगा रावण जंगल का अर्थ है जंगल का अर्थ है वन विद्यार्थी हमने सीढ़ी पूरी की चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न दूसरा उचित संज्ञा छाट कर वाक्य पूरा कीजिए हमें उचित संज्ञा छाट करके वाक्य पूरा करना है जैसे फूल पर तितली बेटी है क्या बेटी है तितली इसी प्रकार क किसान खेतों में काम करता है तो यहाँ क्या आएगा किसान ख है शेर जंगल का राजा है तो यहाँ आएगा जंगल ग है ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है तो यहाँ आएगा ताजमहल चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न तीसरा निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करें व रिक्त स्थान में लिखिए यहाँ से संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है और हमें इस तरफ लिखना है क मैंने एक हाथी पाला है यह आएगा संज्ञा शब्द है हाथी ख गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है तो यहां गांधी जी और राष्ट्रपिता ये दोनों ही संज्ञा शब्द हैं ग है रमेश बहुत समझदार था तो यहां आएगा रमेश ग है शिकारी जंगल में घूम रहा है तो यहां शिकारी और जंगल दोनों ही संज्ञा शब्द हैं अंग बगीचे में फूल खिले हैं तो बगीचे और फूल ये दोनों ही संज्ञा शब्द हैं चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगला जो प्रश्न है चौथा संज्ञा शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए इन संज्ञा शब्दों से हमें वाक्य निर्माण करना है कहें नदी गंगा नदी पवित्र नदी है ख देश हमारे देश का नाम भारत है ग नेता नेता ईमानदार होना चाहिए ग खिलाड़ी रमेश कबड्डी का खिलाड़ी है अंग पहाड़ ये पहाड़ बहुत ऊंचा है च इमारत ये बड़ी इमारत है तो विद्यार्थी इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 26 को समझा आप भी इस कार्यपत्र को समझिए विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद जय हिंद जय भारत आपका दिन शुभ रहे थैंक यू